अक्षय कांती बंद के पार्टी छोड़ने के बाद इंदौर में कांग्रेस की नई रणनीति, बीजेपी की बढ़ेगी मुश्किल। अक्षय कांती बंद का प्रकरण के बाद कांग्रेस पार्टी बीजेपी को घेरने के लिए किसी निर्दलीय प्रत्याशी का समर्थन करने के बजाय नोटा को लेकर लगातार अभियान चला रही है। इंदौर में कांग्रेस ने ज्यादा से ज्यादा नोटा का बटन दबाने के लिए मतदाताओं को प्रेरित किया है। नोटा को लेकर कांग्रेस लगातार अभियान भी चला रही है। इसकी शुरुआत दो दिन पहले इंदौर के गीता भवन चौराहे से कांग्रेस के बड़े नेताओं ने कर भी दी। मतदाताओं को किया जा रहा है प्रेरित। जब से इंदौर में अक्षय कांती बम का प्रकरण हुआ है, उसके बाद से कांग्रेस के बड़े नेताओं ने बीजेपी को घेरने के लिए किसी निर्दलीय प्रत्याशी का समर्थन करने के बजाय नोटा यानी उपरोक्त में से कोई नहीं का विकल्प चुना है, और इसी आधार पर 13 मई को वोटिंग करने के लिए मतदाताओं को प्रेरित किया जा रहा है कि वे ज्यादा से ज्यादा नोटा का बटन दबाएं। कल रात इंदौर में रखी गई थी बैठक। इंदौर में अक्षय कांती बम जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उन्होंने बीजेपी विधायक रमेश मेंदोला के साथ जिला निर्वाचन कार्यालय जाकर अपना नामांकन फॉर्म 29 तारीख को वापस लिया था। इसके तुरंत बाद वे बीजेपी में जाकर शामिल हो गए थे। 29 तारीख को हुए इस पूरे घटनाक्रम के बाद आज करीब 7 दिन होने आए हैं। 7 दिनों में दिल्ली आलाकमान तक जो फीडबैक पहुंचा है वह चिंता पैदा करने वाला है, और इसी के चलते इंदौर में कल रात को एक बैठक रखी गई थी जिसमें बीजेपी के तमाम बड़े नेता शामिल हुए। ये बड़े नेता थे मौजूद। बैठक में शामिल होने वाले नेता उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा से लेकर इंदौर के सभी विधायक और कैलाश विजयवर्गीय तथा पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन भी मौजूद थी। दरअसल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस बार सभी से अपील की है कि वह नोटा का बटन दबाएं।